हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एक और नया वीडियो लेकर दोस्तों आपके लिए आ गया हूँ। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के तरफ से लॉन्च होने वाले एक और फ्लैगशिप 5G स्मार्टफोन के बारे में, और वो स्मार्टफोन है दोस्तों मोटो S30 अल्ट्रा। दोस्तों इस स्मार्टफोन को लॉन्चिंग से पहले इसके सभी स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं, तो आज इस वीडियो में दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, सारी बातों के बारे में दोस्तों आज इस में हम बात करने वाले हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले यह स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होने वाला है, जहां पर दोस्तों कंपनी स्मार्टफोन को मोटो एक्स नाम से लॉन्च करने वाली है। इसके बाद दोस्तों इंडिया समेत ग्लोबल मार्केट में यह स्मार्टफोन मोटो एज 30 अल्ट्रा नाम से लॉन्च होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हे गाइस, मैं हूं जिग्नेश, आप देख रहे हो कैम्चोटेक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिजाइन और इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों फ्रंट साइड आपको सेंटर पंच होल मिलने वाला है, जबकि दोस्तों रियर साइड आपको टॉप फ्लैप कॉर्नर पर 3 कैमरे की हाउसिंग मिलने वाली है। उसके बाजू में कंपनी ने दोस्तों LED फ्लैश लाइट दी है। वहीं पर दोस्तों मिडल में आपको नीचे की ओर कंपनी का लोगो मिल जाएगा। दोस्तों यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला है। डिस्प्ले की अगर बात करें दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6x67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों 144Hz रिफ्रेश रेट एंड 576Hz टच स्नैपिंग रेट के साथ आती है, जिसका दोस्तों एस्पेक्ट रेशियो 10:9 है। यहाँ पर दोस्तों HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कंटेंट देखने और गेमिंग के लिए एक सॉलिड डिस्प्ले मिल जाती है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक पावरफुल क्वालकॉम का सबसे लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 898 चिपसेट मिल सकता है, जिसे कंपनी ने दोस्तों फिलहाल लॉन्च नहीं किया है, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन के साथ ये चिपसेट आपको देखने को मिल सकता है, जो दोस्तों सैमसंग के 4 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है। यहाँ पर दोस्तों हीटिंग का प्रॉब्लम ना के बराबर आपको देखने को मिलने वाला है। गेमिंग और ग्राफिक्स को संभालने के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको 730 GPU मिलेगा, जो दोस्तों आपको बटर गेमिंग का एक्सपीरियंस कराने वाला है। तो ऑल ओवर दोस्तों इस चिपसेट के साथ आपको टॉप क्लास परफॉर्मेंस मिलने वाली है। कैमरे की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों 50MP का प्राइमरी सेंसर होने वाला है, जबकि दोस्तों 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल मोड और 2MP का मैक्रो लेंस कंपनी स्मार्टफोन में दे सकती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 60MP का एक बेहतरीन सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन कैमरा सेटअप भी मिल जाता है। पावर बैकअप के लिए दोस्तों आपको स्मार्टफोन में 5000mAh की दमदार बैटरी मिलने वाली है, जो दोस्तों 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी, जो दोस्तों आपके स्मार्टफोन को करीब 45 मिनट में ही 0 से 100% चार्ज करके दे देगी। यहाँ पर दोस्तों आपको USB 3.1 का सपोर्ट मिलने वाला है। यह फोन दोस्तों आपको 8GB रैम और 128GB फोन स्टोरेज और 12GB रैम और 256GB फोन स्टोरेज के दो वेरिएंट में देखने को मिल सकता है। इस स्मार्टफोन को दोस्तों IP52 की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर दोस्तों 3.5mm का ऑडियो जैक मिसिंग है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी ऑडियो जैक नहीं मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप भी एक ऑलराउंड स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो, जिसमें दोस्तों डिस्प्ले अच्छी हो, बेहतरीन प्रोसेसर हो और एक अच्छा कैमरा सेटअप हो, तो दोस्तों यह फोन आपके लिए पहली पसंद हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप हमें अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।